Hello, dear students. I hope you all are keeping well and are healthy and safe. I am Ms. Pa Maharaj and I shall be teaching you social studies. So today we shall be studying our first chapter, that is, we shall be studying about globes and maps. So in this lecture, we shall try to understand what is a globe, how does it look like, what are its uses, and also we shall try to understand from where the concept of globe has emerged. So dear students, before beginning our lecture, I want to tell you that about 400 or 500 years ago, our ancestors, जो हमारे ancestors थे या फिर जो 400-500 साल पहले लोग जो ज़मीन पर रहते थे, उनका ये concept था कि earth बिल्कुल गोल नहीं है, earth was completely flat, जो earth का जो shape है वो गोल नहीं है, as we know, it's a scientific fact, it's a universal truth कि जो earth है वो गोल है, लेकिन जो हमारे ancestors थे लगभग 400-500 साल पहले, उन लोगों को क्या लगता था कि जो earth है वो क्या है, वो flat है, you know, the earth completely looked like this. They assumed that, or they were of the view that earth is flat, it looked like this, and it did not look like this. Okay, now what people at that time believed that un logon ko ye belief tha ki earth jo hai wo completely flat hai, aur agar wo ek point se apni journey start karenge wo ek dusre point pe pahunchenge, and fir kyunki earth flat hai hum log niche gir jayenge and we will die. So what did they assume? They assumed that if they started from this point and they traveled to this point, if they tried to go further, they will die. क्योंकि वो ज़मीन से नीचे गिर जाएंगे. तो लोगों का जो concept है वो कुछ इस तरह का था. Now, you know, then a lot of questions emerge. या फिर हम काफ़ी ज़्यादा सुन सकते हैं कि वो कौन इंसान था, और हु वॉज द पर्सन हु गेव अस द आइडिया और हु क्लेयर्ड टू द पीपल ऑफ अर्लियर टाइम्स दैट अर्थ इज नॉट फ्लैट, ये फ्लैट तो नहीं है बल्कि क्या है, गोल है. सो द नेम ऑफ दैट पर्सन वॉज फ्रेडिनेंड मैगलन. नाउ फ्रेडिनेंड मैगलन जो था वो कौन था, ही वॉज अ पोर्तुगीज एक्सप्लोरर. नाउ वॉट इज एन एक्सप्लोरर और हु इज एन एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर कौन होता है, देयर स्टूडेंट्स, एक्सप्लोरर वो पर्सन होता है जो ट्रैवल करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ समथिंग न्यू. सो एक्सप्लोरर इज अ पर्सन हु ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन डिस्कवरी ऑफ समथिंग न्यू. सो फर्डिनेंड मैगलन क्या था, ही वॉज अ पुर्तगीज एक्सप्लोरर, ही वॉज फ्रॉम पोर्चुगीज. नाउ 500 ईयर्स अगो इसने क्या किया, इसने एक जर्नी स्टार्ट की, यू नो, इसने एक शिप लिया, इसने एक पॉइंट से, एक कंट्री से स्टार्ट किया, एंड ही ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, इसने दुनिया की हर कोई जगह पे ट्रैवल किया, एंड आफ्टर 3 ईयर्स ये वापस उसी कंट्री में पहुंच गया जहां से उसने स्टार्ट किया. सो एट दैट पॉइंट जो फ्रेडिनेंड मैगलन है उसने क्लियर किया, यू नो, ही सेड दैट अर्थ इज नॉट फ्लैट, अगर मैं गया यहां से, यू नो, फ्रॉम द पॉइंट From where I have started, जिस कंट्री से मैंने स्टार्ट किया है, मैं पूरी दुनिया घूम के आया, मैं तो कहीं पर भी नीचे नहीं गिरा, मैं तो कहीं पर भी नीचे नहीं गिरा. सो जो आप लोग बोल रहे हो कि दैट अर्थ इज राउंड, सॉरी, अर्थ इज नॉट राउंड, इट इज फ्लैट, इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग. एंड ही प्रूव्ड इट वेन 500 ईयर्स अगो पोर्तुगीज एक्सप्लोरर फ्रेडिनेंड मैगलन प्रूव्ड दैट अर्थ इज राउंड एंड इट वॉज नॉट फ्लैट. नाउ सो From this period, it became clear that Earth was round, and from this very period, you know, the globes were invented. And who was the person who invented the globe? Very important to know. The person who invented the globe was Martin Behaim in the year where 1492, with the help of the painter George Glockendon.
तो मार्टिन बेहेम जो है वो पर्सन है जिसने क्या किया, जो दुनिया का पहला ग्लोब इन्वेंट किसने किया है, ही इज मार्टिन बेहेम इन द ईयर 1492 विद द हेल्प ऑफ अ पेंटर हुज नेम वॉज जॉर्ज क्लॉकेंडन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर जनरल नॉलेज एज वेल. ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स ग्लोब. नाउ दिस डियर स्टूडेंट्स, दिस डायग्राम इज ऑफ अ ग्लोब. नाउ इफ समवन आस्क्स अस, अगर हमसे कोई पूछे कि ग्लोब क्या है, ग्लोब क्या है, वो किससे इस्तेमाल किया जाता है, ग्लोब डियर स्टूडेंट्स इज द मॉडल ऑफ द अर्थ. जो अर्थ का मॉडल है, बिकॉज एज वी नो जो ग्लोब है वो बिल्कुल अर्थ जैसा दिखता है, सो ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ. नाउ व्हाट इज अ मॉडल, मॉडल क्या होता है? तो मॉडल बेसिकली जब बड़ी चीजों को हम एक छोटे फॉर्म में दिखाने की कोशिश करते हैं, दैट थिंग इज नोन एज मॉडल. वी कैन से अ मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मॉडल. जब हम किसी बड़ी चीज को छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज नोन एज मॉडल. एंड ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ. यू नो, एज इट इज क्लियर from here that globe is the model of earth because it exactly looks like earth. Now from here it becomes clear that a globe is a small round model of the earth, and jo globe ki round shape hai usko hum beta kya bolte hain, that is known as sphere. Wo jo round shape hai aapke globe ki, that is known as sphere. Now if you can see, I have underlined the word small here. Small, a globe is a small round model of the earth. Globe जो है वो एक छोटा मॉडल है अर्थ का. क्या इसका मतलब है कि हम ग्लोब सिर्फ इतने ही साइज का बना सकते हैं, इससे बड़ा नहीं बना सकते हैं, इससे छोटा नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल, हम ग्लोब इससे छोटा भी बना सकते हैं, इससे बड़ा भी बना सकते हैं. बट द वर्ड स्मॉल हेयर मीन्स दैट इन कंपेरिजन टू द you know the to the size of the earth or size of the planet of the earth on which we live, uske comparison mein globe ka size bilkul chhota hota hai. Small ka matlab ye nahi hai ki hum globe ko for example agar hum ye standard size lenge, globe ko isse kam size mein nahi bana sakte hain, isse zyada size mein nahi bana sakte hain. But wahan pe a globe is a small round model of the earth. Jo wahan pe small hai uska matlab hota hai if we compare it to the size of the earth, to size of the earth ke comparison mein globe ka jo size hai wo bahut hi chhota hota hai. And jo globe hai wo round shape mein hota hai. Round shape ko hum kya bolte hain, sphere bolte hain. And dear students, you know that earth rotates on its axis. Okay, एक imaginary line हम बोलते हैं जिसपे earth rotate करती है, spin करती है. So अगर हम बताते हैं कि globe earth का model है, तो globe जो है वो कैसे spin करता है? So for that purpose there is a rod. You know, as you can see that जो ये rod है, from here to here, it acts as the axis of the globe. जैसे अर्थ की एक्सिस होती है जिसपे वो रोटेट करता है, स्पिन करता है, जो ग्लोब का रॉड होता है, दिस वेरी रॉड एक्ट्स एज द एक्सिस ऑफ दिस ग्लोब. एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस रॉड यू कैन स्पिन, हम जो ग्लोब है इसको स्पिन कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं. एंड दैट इज वाई इट इज सेड दैट ग्लोब इज अ 3D मॉडल ऑफ द अर्थ. 3D मॉडल, थर्ड डायमेंशन, एग्जैक्टली जैसे आपका अर्थ काम कर रहा है बिल्कुल वैसे ही आपका ग्लोब भी काम करता है. ओके, नाउ अब ग्लोब का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? आई हैव अर्लियर सेड दैट कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड एंड टू गैदर एंड कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन. सो इन ऑर्डर टू नो अबाउट डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट ओशंस, डिफरेंट प्लेसेस, हम लोग ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं. बट there are certain problems that are associated with globe. Ab globe se hame no doubt kafi zyada fayda milta hai, but globe ki kuch disadvantages hai. The first one is we can't see all the places on a globe at the same time. So jaise hum maps mein sara map jo hai ya fir all the places jo hai hum ek sath mein dekh sakte hain, ग्लोब के साथ ये प्रॉब्लम है, हम एक ही टाइम बहुत सारी जगह एक साथ नहीं देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल,
अगर ये हमारा ग्लोब है, वी कैन ओनली सी दिस पोर्शन ऑफ द ग्लोब. इस ग्लोब के पीछे वाला पोर्शन हम बिल्कुल भी साथ में नहीं देख सकते हैं. लेकिन मैप में क्या होता है, क्योंकि मैप जो एक पिक्चर होती है, हम काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज है, काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस एक साथ में देख सकते हैं. बट ग्लोब के साथ ये प्रॉब्लम है दैट वी कैन ओनली हैव अ लुक एट वन पार्ट एट अ टाइम. इसके पीछे क्या है उसके बारे में हम लोग बिल्कुल भी जान नहीं सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज लार्जर द ग्लोब द मोर डिफिकल्ट इट इज टू कैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि ग्लोब जो है वो हम बड़े साइज में भी बना सकते हैं, बट you know the size will be small as compared to the actual size of the earth. So which means ki agar hamare paas koi bada globe hai, koi bada model hai earth ka, agar hum logon ko for example school mein एक क्लास से दूसरे क्लास में लेना पड़ेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा बल्की हो जाता है. वी आर नॉट एबल टू कैरी इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली. सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस या फिर जो प्रॉब्लम्स है जो ग्लोब के साथ एसोसिएटेड है. सो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का लेक्चर था, हम लोगों ने उसमें क्या पढ़ा कि जो ग्लोब है वो एक मॉडल ऑफ अर्थ होता है. अब मॉडल क्या होता है, जब हम बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों में दिखाने की कोशिश करते हैं दैट इज़ नोन एज मॉडल. एंड जो ग्लोब है वो अर्थ का मॉडल है, वो हमें अर्थ के प्लेसेस, ओशंस, कंटिनेंट्स के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. एंड द पर्सन जिसने ग्लोब सबसे पहले इन्वेंट किया था वॉज मार्टिन Time in 1492 with the help of the painter George Clockton. I hope, dear students, today's lecture is clear to you. I shall see you in next lecture. Have a great day.